बाबा परमेश्वर नाथ की धाम की जय हो। आज बड़ा शुभ दिन है कि बाबा परमेश्वर नाथ का पूजन हुआ और आज इसका मंदिर का जीर्णोद्धार का और तालाब का जो वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे वह पूरा हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है और सेकेंड फेज का शुभारंभ भी आज किया गया है। बाबा आज सब कुछ ठीक ठाक रहा मुख्यमंत्री जी के साथ? भाई देखो भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कब तक हो यहाँ जो ही सरकार, कब तक हो यहाँ जो ही राम रुचि राखा काके तर्क बढ़ावे साका। बोलो परमेश्वर नाथ बजरंग नाथ। अक्षर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा जाहे विधि राखे राम ताही विधि। अरे तो कर क्या क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है? अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए, ये काम करवाना है। सोनी चौबे जी आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए, माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। भगवान जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वही है राम जो है रुचि राखा, जो भगवान का भगवान परमेश्वर नाथ ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्यक्रम फेर बदल? क्या चीज फेर बदल कब तक होगा? अरे भाई अरे कोई बात नहीं, जो हो यह राम करिए, जो राम करिए वही हो। चलिए तो राम जो करेंगे वही स्वीकार होगा। राम की कृपा से सीएम का चेहरा कौन? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सीएम का चेहरा कौन? नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है, इसलिए अभी हम लोग कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, पूरा मेल है महागठबंधन सरकार में दलों के बीच में, और बीजेपी के सारे साजिश और षड्यंत्र फेल होंगे। आरजेडी को अब भी भरोसा है कि ऑल इज वेल है, यानी कि अभी भी उनको लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे, महागठबंधन की सरकार रहेगी, यानी नाउम्मीदी के बावजूद भी उम्मीद बनाए रखे हैं। तो देखिए आरजेडी को भरोसा है कि ऑल इज वेल है, और उधर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को रिसीव किया इस तमाम उठा पटक के बीच वहां पर बक्सर में अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को। रजनीश वहीं पर है, रजनीश के पास जाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, नीतीश वर्सेज लालू पर आज की एक बड़ी खबर। देखिए आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर रोक, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तीन बड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं। इसकी पहली खबर है आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर रोक लग गई है। दूसरी बड़ी खबर, नीतीश से तेजस्वी ने दूरी बना ली है। तेजस्वी को भी इस कार्यक्रम में आना था, बक्सर के ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। और तीसरी खबर, कार्यक्रम से आरजेडी के मंत्री गायब। नीतीश वर्सेज लालू पर आज की तीन बड़ी खबर।
सरकार नहीं मुख्यमंत्री, वही बिहार में हो क्या रहा है इसे समझने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिहार से इस साल 2024 के चुनावी रण के लिए बड़ी चाल चलने की तैयारी है। कल यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पटना में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। पल पल नीतीश और लालू परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही है। आपको चार तस्वीरों के जरिए बिहार में होने वाले सत्ता परिवर्तन को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश और तेजस्वी में दूरी जहां पर नजर आई उसी की है। तेजस्वी नीतीश की बगल वाली अपनी कुर्सी छोड़ विधानसभा अध्यक्ष के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठे। दूसरी तस्वीर राजभवन में कल हुई हाईटी कार्यक्रम की है, जिसमें तेजस्वी यादव इसमें नहीं पहुंचे और उनके लिए नीतीश के बगल में लगी कुर्सी पर लिखा तेजस्वी के नाम को नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने उखाड़ कर हटा दिया और खुद बैठ गए। और तीसरी तस्वीर आज होने वाले बक्सर के कार्यक्रम की है, जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेजस्वी को ही करनी थी, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। नीतीश से फिर तेजस्वी ने दूरी बनाई है। रूपेश और रजनीश और पंकज हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त बिहार के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, आप बक्सर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और बक्सर में अभी अभी अश्विनी चौबे ने कहा है कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। बताइए, भगवान राम ने क्या सोचा है बीजेपी के मुताबिक वहां? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही थी, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्र के मंत्री अश्विनी चौबे साथ में थे। पूरे मंदिर का उन्होंने परिक्रमा किया। नीतीश कुमार जरूर मीडिया से बात किए बगैर चले गए, लेकिन अश्विनी चौबे खुद आए मीडिया के पास और उन्होंने वही बात कही जो आपने दोहराई, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है बीजेपी की ओर से, बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे की ओर से। राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे रहे, लेकिन संकेतों में, इशारों में साफ तौर पर उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जो खबरें TV9 भारतवर्ष पर चल रही है, जिस तरीके से बिहार को लेकर लगातार दर्शकों को हम नई नई जानकारियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जानकारियां सटीक होती हुई जा रही है। बिहार में सरकार बदलने की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है। सरकार के केंद्र में नीतीश कुमार एक बार फिर रहेंगे, लेकिन इस बार उनका सहयोग बीजेपी करेगी, और ये तमाम चीजें आज से लेकर कल तक फाइनलाइज होना है। जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर दिख रहा था अश्विनी चौबे का, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, सीधे सीधे ये बात तो अश्विनी चौबे ने क्या कहा ये तो हमने आपको सुनवाई है, लेकिन वहां पर RJD की तरफ से भी अपने बयान सामने आ रहे हैं, जहां ये कहने की कोशिश की जा रही है दैट ऑल इज वेल।